जोधपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हीरालाल जी मेघवाल हमारे साथ जुड़े हैं, और बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में आपका नाम भी आ रहा है। और सर, आपसे निवेदन है कि आपके साथ और भी कांग्रेस के प्रत्याशी आपके साथ दौड़ में है, तो सर इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन मेरा दावा जो है वो पार्टी में मजबूत दावा है। कारण क्या है कि मैं पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव में इस प्रकार का माहौल था कि मोदी युवाओं में भूत सवार हो गया था और ऐसी मोदी की आवाज चली, उसमें भी मैं 59,000 वोट मुझे बिलाड़ा की जनता ने दिया। उसके बावजूद मैं हारने के बावजूद भी 5 साल मैं रेगुलर बिलाड़ा विधानसभा में प्रत्येक ढाणी गांव घर घर में 5 साल कंटिन्यू बिलाड़ा विधानसभा में मैं रहा, इसीलिए मेरा दावा मजबूत है और मुझे हाईकमान टिकट देगी, ऐसा मैं मानता हूं। टिकट का आप दावा करते हो कि हाईकमान आपको टिकट प्रदान करेगी बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र को, आपको टिकट मिल जाता है, आपकी जीत भी हो जाती है, तो इसको लेकर आप बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर मोहर लगाएं, तो इस विकास के नाम पर आपको क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे जनता विधायक बना देती है तो पहले तो मैं आज बोरुंदा की ही बात करूंगा। बोरुंदा बहुत बड़ा कस्बा, मेरी नगर जो नगर पालिकाएं हैं पिपाड़ और बिलाड़ा, उसके बाद में सीधा बोरुंदा का नंबर आता है और बोरुंदा में लाइम स्टोन का अच्छा धंधा है, तो मैं इस बोरुंदा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करूंगा। और मुझे अभी भी पता है कि आज जो भट्टे कई हैं वो बंद पड़े हैं कोयले की वजह से, तो मैं विधायक बनने के बाद में कोयले की सुव्यवस्थित व्यवस्था करवाऊंगा और माइनिंग भी जो हैं वो प्रदूषण के ऐसे नियम बना दिए हैं जिसकी वजह से कई माइनिंगें बंद पड़ी है, मैं उस नियमों का सरलीकरण करवाऊंगा ताकि लोगों के जो खनन काम है वो सुचारू हो सके और धंधा अच्छा चल सके, अच्छी व्यवस्था हो सके, ये भी मैं व्यवस्था करूंगा। और पूरी विधानसभा में मैं बता देता हूं कि बिलाड़ा विधानसभा में आज स्थिति यह है कि जैसे बिलाड़ा नगरपालिका और पिपाड़ नगरपालिका है, उसमें सिविल लाइन डालनी थी, वो इस भाजपा सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने नहीं डाली, ये दोनों नगरपालिका बड़ी बड़ी है, वो मैं डलवाऊंगा। और बाकी तो जनता से जो योजनाएं हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं शुरू की थी, आज बिलाड़ा में ये स्थिति है कि जो अनाज बीपीएल अनाज वाला 2 रुपये किलो वाला है वो सब जनता परेशान है, वो बिल्कुल अव्यवस्था है, किसी को अनाज वगैरह थोड़े बहुत लोगों को दे दिया जाता है, बाकी लोगों को सब वंचित रखा जाता है। और दवा मुक्त वाली, जांच मुक्त, जानवरों की दवाएं वगैरह, ये सारी जो योजनाएं अशोक गहलोत जी के राज में कांग्रेस की सरकार में जो की थी वो एक बंद सी पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बिलाड़ा के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं पक्का वादा करता हूं और पक्का भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ की सबसे पहले पेयजल जो व्यवस्था है, मीठे पानी की व्यवस्था, वो पूरी विधानसभा में बिल्कुल नहीं के बराबर है। सब जगह झगड़े हो रहे हैं, गायें तरस रही है, आदमी तरस रहे हैं। सर, अगला सवाल यह है आपसे, तीसरा मोर्चा है जो हनुमान बेनीवाल या और भी तीसरे मोर्चे को प्रबल दावेदारी करे आपकी सरकार बनाने की, अपनी सीटों पे दावेदारी करी है, तो सर क्या कांग्रेस को या बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, यहाँ बिलाड़ा में मुझे ऐसा लगता नहीं आ रहा कि राजस्थान में भी आज तक तीसरा मोर्चा का कोई लक्ष्य नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि बिलाड़ा में मुझे ऐसा कोई, यहाँ जनता जो है सारी जनता कांग्रेस की तरफ अग्रसर है और 100% कांग्रेस को जीता है।
सर बुरना की कई ऐसी प्रमुख समस्याएं, जैसे बुरना का 12th एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग की जाती है, बुरना अस्पताल की बात करते तो जहां पर कांग्रेस सरकार का जब तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी थे उस समय बुरना अस्पताल के अंदर 8 पोस्ट स्वीकृत की थी, इसके बाद माधव सिंह जी दीवान बने चिकित्सा मंत्री, तो उनके स्थान पर उन्होंने वहां से बुरना अस्पताल से जो पोस्टों को हटाकर अन्यत्र लगे। तो सर क्या बुरना अस्पताल सीएचसी है और तकरीबन 20 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, यहाँ की ओपीडी भी ठीक ठाक है, तो सर क्या आपके विधायक बनने के बाद सर बुरना अस्पताल की दो दशा पर आप क्या विचार करेंगे? नहीं, मैं इसको प्रमोटेड करवाऊंगा और बिल्कुल सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे हम लोग, जो है डॉक्टरों के पद स्थापित करवाएंगे और इसको प्रमोटेड करेंगे, जैसा मैं वादा करता हूँ।